शुरू करने जा रहे हैं तो चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर वन को यहां पर देख लेते हैं तो पूछ रहा है भैया हमसे ओके okay, बच्चा तो so, पहला हमारा जो क्वेश्चन है बेटा मतलब पोस्ट बुड़ा। दो जो क्वेश्चन है हम लोगों के यहाँ पर वो बेसिकली किससे आए हैं हमारे uh, जो हम लोगों ने सोलर सिस्टम पढ़ा था बेटा उससे हमको क्वेश्चन ये पूछे गए हैं तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग मिल्की वे इज दी ओनली स्पाइरल गैलेक्सी इन द यूनिवर्स प्लैनेट वीनस इज दॉटेस्ट प्लान सिस्टम तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा हम लोगों ने कई बार इसको डिस्कस किया है, कि हालांकि हमारा जो है, जिसे हम लोग हिंदी में बहुत बोलते हैं हमारा मर्करी जो है वो सूरज के ज्यादा पास में है लेकिन फिर भी अगर आपसे हॉटेस्ट प्लान पूछा जाए तो उसका जवाब होगा आपका वीनस बिकॉज ऑफ इट्स गैसियस एनवाइ ये सबसे ज्यादा गर्म जो हमारा ग्रह या प्लेनेट माना जाता है ठीक है बच्चा चलो सेकंड क्वेश्चन हम लोग ले लेते बेटा फिर से से वापस हमारे सोलर सिस्टम क्वेश्चन आया है नाउ प्लेनेट एक्स इज क्लोजर टू सन देन प्लेनेट वाई फाइन तो सिंपल सिंपल हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल तो बेटा ये हमारा हमारा सन है आई होप आपको दिख रहा होगा और ये एक प्लेनेट है इसका नाम हम लोगों ने रख दिया एक्स और ये दूसरा प्लैनेट है बेटा इसका नाम हम लोगों ने रख दिया वाई ओके नाउ अब ये बोलना चाह रहा है कि इससे हमें क्या पता चलता है प्लेनेट एक्स हैज लॉन्गर रेवोल्यूशन पीरियड देन प्लैनेट वाई प्लेनेट वाई हैज लॉन्गर रेवोल्यूशन पीरियड देन प्लेनेट एक्स प्लेनेट एक्स हैज लॉन्गर रोटेशन पीरियड देन प्लैनेट वाई और प्लेनेट वाई हैज लॉन्गर रोटेशन पीरियड देन प्लेनेट एक्स तो बेटा देखो जब भी हम सूरज या सन को एक हम बीच में मीडियम मानकर या उसको सेंटर में मानकर कुछ इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे बेटा तो हमेशा हमारा मतलब किससे होगा हमेशा हमारा मतलब होता है रेवोल्यूशन पीरियड से तो नेचुरल से बात है कि इसका रेवोल्यूशन पीरियड कम होगा और अगर हम वाई की बात करेंगे तो इसका रेवोल्यूशन पीरियड जो होगा वो ज्यादा होगा तो यहां पर ऑप्शन क्या है वाई हैज लॉन्गर लॉन्गर रेवोल्यूशन पीरियड प्लैनेट एक्स रोटेशन पीरियड अलग अलग हो सकता है बेटा है ना वो प्लैनेट का खुद के एक्सिस पे होता है तो वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि वो सूरज से कितनी दूर है फाइन बचा तो इसका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बी क्योंकि आप चारों चीजें पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ चारों अपनी जगह कहीं ना कहीं करेक्ट है तो ज्यादा अच्छा तरीका यह है बेटा जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है आप इसको एक बार ड्रॉ करके देख लो ओके बिल्कुल बहुत गैसिस इन्वामेंट की वजह से बच्चे वो बहुत ही ज्यादा गर्व है ये हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ओके ओके बच्चा तो so, यहाँ पे हमारे पास में तीन हमारे मैटर है बेटा सॉलिड लिक्विड और गैस और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है आपको बताना है कि करेक्ट प्रॉपर्टी कौन सी है तो जब हम सॉलिड की बात करते हैं बच्चों तो इसको इस तरह से लिखो देखो सॉलिड जो होता है फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप वॉल्यूम भी फिक्स रहता है और शेप भी सेम रहता है अगर हम बच्चा लिक्विड की बात करते हैं या मैं लिख देती हूं फिक्स्ड वॉल्यूम है लेकिन शेप नहीं है कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है उसका जिस कंटेनर में आप डालोगे उस कंटेनर का वो शेप एक्वायर करेगा और गैस का ना तो बेटा कोई फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही कोई फिक्स शेप होता है फाइन तो अब हम लोगों को यहां पर देखना है कि सॉलिड फिक्स हमारा वॉल्यूम है फिक्स शेप है अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो हमारे लिए बी है जिसमें सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम है लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम है और गैस का वॉल्यूम वेरिएबल है क्लियर है हाय जनाहन ओके यहाँ पे दो तीन बच्चे ऐसे हैं आ, मैं बिल्कुल इस बात को एडमिट करना चाहूंगी बच्चा कि दो तीन बच्चे ऐसे हैं बिल्कुल जिनके नाम मुझे बहुत ही ज्यादा यूनिक लगते हैं एंड जनाहन जो है उनका नाम उसमें से एक है ठीक है एक हमारी क्लास के अंदर एक बच्चा आता है उसका नाम है नूरेन तो वो नाम मतलब मुझे ऐसा लग रहा है काफी अलग सा नाम है मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ बाकी लोगों के नाम अच्छे नहीं है बट हाँ मैं बिल्कुल ये एडमिट करूंगी कि ये नाम थोड़े थोड़े से ना बिल्कुल अलग है ओके okay, बच्चा अरे अलीशा में क्या करूं बेटा मुझे बिल्कुल भी उस चीज क्लास को लेने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बट जैसे मैंने आपको बोला है मैं बिल्कुल तैयारी करूंगी और तैयारी करने के बाद मैं बिल्कुल आपके लिए वो क्लास जरूर आपके एग्जाम से पहले जरूर जरूर करवा दूँ बेटा ठीक है ओके okay. और मेरी क्लास में दिन ब दिन ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती चली जा रही है जो मैम को आके हेलो प्यारी मैम बोलते हैं तो पहले मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक प्रथमेश था फिर कल की क्लास में हमारे पास में एक दिव्यांश भी था और आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि रोज हमारी क्लास में ऐसे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं जो मैम को आगे ऐसे ही ग्रीट करेंगे हेलो प्यारी मैम ठीक है विच इज गुड आई एम एक्चुअली क्वाइट लाइकिंग इट ओके बच्चा नाउ अ लिक्विड कैन चेंज इन टू सॉलिड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग बेटा फाइन बाकी चारों चारों का भी मतलब मैं आपको एक बार समझा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है ओके okay, कंडेंसेशन का मतलब होता है बच्चा जब हमारी जो वेपर होती है वो कूल डाउन होती है और इसी कंडेंसेशन की वजह से बारिश होती है हम लोगों ने पढ़ा है हाँ मैं पढ़ाऊंगी बेटा बिल्कुल पढ़ाऊंगी रॉक एंड सॉइल बिल्कुल पढ़ाऊंगी मैं आपको है ना चलो इवेपोरेशन क्या होता है बेटा जब हमारा जो लिक्विड होता है ना वो गैस के अंदर या वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है मेल्टिंग क्या होती है बेटा? जब हमारा जो सॉलिड होता है वो लिक्विड के अंदर बदल जाता है उसे हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं तो ये कुछ टर्म्स टर्म बेटा इनको जरूर, जरूर जरूर याद करना नाउ इन ट्वेंटी सेंचुरी डैश बोर इन्वेंटेड तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा वो होगा हमारा एरोप्लेन नाउ इन डैश फ्रेंच डेवलप अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल मेट्रिक सिस्टम तो नाइन के अंदर बेटा ये हमारा जो मेजरमेंट का जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसे फ्रांस के अंदर इन्वेंट किया गया था ओके वॉइस मेरे ख्याल से तो मेरी तैयारी वही बाकी सब लोग बताओ ओके बाकी बच्चे भी बताओ क्या मैम की आवाज आपको आप लोगों को लो आ रही है Oho, अब प्रथमेश को देखो गुलाब के साथ में मैम को मक्खन और लगा रहा है हाँ जी हम्म अच्छा दिव्यांश ने दिव्यांश जो है देखो एक और बच्चा हमारा एक और वह वो भी ऐड हो गया है इसके अंदर चलो बच्चा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे <coughs> तो कुछ ईटिंग हैबिट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे विच ऑफ फ्रूट्स ऑफ ट्रीज बर्ड कैट डॉग और मंकी बेटा तो अगर हम ट्रीज की बात करेंगे और मतलब हम लोग बात करेंगे फ्रूट की बात करेंगे तो फ्रूट कौन खाएगा फ्रूट हमारा खा जाएगा बेटा मंकी नाउ विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल नॉट हर्बीवोरस हर्बी वोरस का मतलब वो होता है बेटा जो कि हर्ब्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ओके okay? तो हर्ब्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट नहीं है वो है हमारी लिजर्ड क्योंकि लिजर्ड जो है वो कैसी होती है वो कार्निवोरस होती है रेप्टाइल्स जो होते बेटा वो कार्निवोरस होते हैं क्लियर है बच्चा चलो नाउ एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है हमारे पास में ओके okay. सो so, एक पल्लवी है बड़ी प्यारी सी बच्ची है हमारी उसने क्या किया बेटा दो फूड आइटम का पेस्ट बनाया है ना पी और क्यू और उनको दो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाल दिया एक के अंदर उसने आयोडीन का सोल्यूशन डाला दैट तो मीन्स जो पी है उसके अंदर और क्यू वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चे उन्होंने कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा को मिलाकर डाला अब आपको बताना है कि इसमें क्या है तो इसका करेक्ट जो आंसर हो हो जाएगा जाएगा बेटा वो ब्लैक कलर तो हमेशा याद रखना बच्चों कि अगर आप राइस लोगे अगर आप व्हीट लोगे तो इससे हमें क्या मिलता है स्टार्च ये मैंने आपको पढ़ाया है कॉम्प्लेक्स फॉर्म है हमारे कार्बोहाइड्रेट का या शुगर का तो जब भी हम स्टार्च को आयोडीन के साथ में ट्रीट करते हैं तो वो कैसा कलर देता है हमें ब्लू ब्लैक कलर ये आयोडीन आयोडीन जो है वो स्टार्च को कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लियर है ओके okay. चलो अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग इसको पहेली पहेली है ना पहेली पहेली जैसा पढ़ेंगे ओके okay? ओके okay, बच्चा चलो अब आपको मार्क करने हैं मेरे साथ साथ नाउ लिविंग थिंग आर दे एबल टू मेक देअर ओन फूड तो पी क्या हो जाएगा बेटा हमारा प्लांट ऑफकोर्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो है प्लांट ओके चलो नाउ अगर नो है मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकते ओके डू दे फीड ऑन डिकेंग मैटर अगर येस है बेटा तो यहां पर आ जाएगा फंगस और फंजाई फंजाई जितना भी डेड मटेरियल होता है उसके ऊपर जो है वो फीड करती है ठीक है बच्चा? नाउ इफ नो देन व्हाट इज आर तो यहां पर देखो बेटा प्लांट फंजाई आना चाहिए देखो कहां पर है प्लांट और फंजाई ओके okay, ये रहा बेटा ये प्लांट है मोल्ड मतलब हमारा फंजाई और फ्रॉग मतलब हमारा एनिमल बस खत्म तो इसको इस तरह से मार्क करोगे ना एकदम तो करेक्ट आंसर निकलेगा नहीं मेरे टूथपेस्ट में नमक बिल्कुल नहीं है मुझे नमकीन टूथपेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे टूथपेस्ट में लॉन्ग है फाइन बदमाश बच्चे हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा एक डेडलियस डिजीज है बेटा फाइन जिसका नाम है एड्स अकर्स ड्यू टू अ वायरस और वायरस का नाम क्या है एच आई वी पूरा नाम भी कई बार पूछ लेते हैं बच्चों ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस ठीक है ओके विच ऑफ नॉट द डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है बेटा इंसुलिन क्योंकि इंसुलिन क्या है एक हार्मोन है क्या है बच्चा एक हार्मोन है क्लियर okay. है लॉन्ग वाला देख लो लॉन्ग वाला कौन सा टूथपेस्ट अब गेस्ट करो लॉन्ग वाला टूथपेस्ट गेस्ट करो तुम चलो द यूनिवर्सल एक्सेप्टर और रिशिपियंट ब्लड ग्रुप इज एबी एंड ओ इज यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल डोनर ये दो चीजें याद रखना बच्चों फाइन वो ब्लड ग्रुप जो किसी का भी ब्लड ले सकता है यूनिवर्सल रिसिपियंट बोलते हैं हम लोग दैट इज ए बी और जो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है यूनिवर्सल डोनर दैट्स ब्लड ग्रुप ओ अच्छा ठीक है चलो यहां पे मॉक टेस्ट पे ध्यान दो तुम लोग ओके ना हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है बेटा विच एम्पर शिफ्टेड हिज कैपिटल फॉर मुर्शिदा मुर्शिदाबाद टू मंगर और इसका नाम है बेटा मीर कासिम फाइंड ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन है बेटा वो आप मुझे बताओ Uh, आगरा से दिल्ली अपनी कैपिटल किसने शिफ्ट करी थी क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया है ओके okay? प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों सब यहां पर देखो नाउ इंडिया फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट वॉस्ट स्टैब्लिश इन तारापुर सबसे ओल्डेस्ट तारापुर में ओके ओके okay, okay, यहां पर एक और आंसर है बेटा कल्पक्कम कल्पक्कम क्या है Indigenous, इंडिजीनस Usually जब भी हमारे यहाँ पे एटॉमिक पावर स्टेशन की बात होती है बच्चों तो वो पूरे के पूरे इंडिजीनस नहीं है यानी कि पहले ऐसा हुआ करता था कि दूसरे जो कंट्रीज होती थी बेटा उनकी भी मदद हम लोग लेते थे ठीक है लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट इंडिजीनस एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा है इंडिया के अंदर तो आपका जो जवाब है वो बदल जाएगा और वो आ जाएगा कल पक्कम ठीक है बच्चा हां जी इसका जवाब क्या है शाहजहा जी। हांजी शाहजहा तब उन्होंने क्या बनाया था बेटा रेड फोर्ट ठीक है लाल किला जिसे से हम लोग बोलते हैं रेड फोर्ट ओके बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन एट टू विच प्लेस शिवाजी जगह का नाम है बेटा रायगढ़ उनकी राजधानी उनकी कैपिटल मानी जाती है ओके, आंसर बेटा फिर हमारा मॉक टेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि 25 क्वेश्चन है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएंगे फाइन तो इसलिए मैं आपको आंसर बता रही हूँ आप उसको अपने आंसर के साथ में मैच कर लू चलो नेक्स्ट ओके okay, यहाँ पर एक और बच्चा है एक्सपेरिमेंट कर रहा है भाई थोड़ा सा हमारे साथ में ओके okay. अब सानिया है बेटा उन्होंने क्या किया है कुछ वॉलेंट्री एक्शन वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं बच्चों जिन पर हमारा कंट्रोल होता है जैसे कि बोलना उसके बाद में हंसना है ना हमारे हाथों को पैरों को मूव करना वॉक करना ये सब वॉलेंट्री है इसके ऑपोजिट इन वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है जैसे हमारा रेस्पिरेशन हमारा डाइजेशन, हमारा एक्सक्रीशन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तो यहां पर बच्चों जो सा, सानिया है उन्होंने कुछ वॉलेंट्री एक्शन की लिस्ट बनाई बट समहाउ मिस्टेक से उन्होंने कुछ इन वॉलेंट्री भी इसके अंदर डाल दिए ठीक है बच्चा तो आपको ये बताना है कि इनवॉल्ट्री एक्शन जो है वो कौन कौन से हैं तो जैसे मैंने बताया इन वोल्ट्री वो होते हैं जो हमारी बॉडी की बेसिक मेटाबॉलिज्म uh, से जुड़े होते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं शिवाजी yes, शिवाजी यस महाराज ओके अरे भाई मैं क्लास में किसी को भी इग्नोर नहीं करती हूँ पहले ही बता देती हूँ मैं क्लास में किसी को इग्नोर नहीं करती हूँ बट मेरे सामने जो नाम आ जाता है ना मैं उस बच्चे का नाम एक बार ले लेती हूँ ठीक है और कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं मैम प्लीज टेक माई नेम प्लीज मैम हमारा नाम ले लो तो मैं उनका नाम ले लेती हूँ ठीक है और यहाँ पर झगड़ा करने वाले बच्चे जो होते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते तो क्लास में कोई भी झगड़ा नहीं करेगा एंड आई गेस जूम तो बहुत अच्छा है यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है फाइन मैं इसको थोड़ा और साइड में कर देती हूँ बच्चा ओके okay. चलो तो इनवॉलेंट्री कौन सा है बेटा डाइजेशन ओके बीटिंग ऑफ हार्ट और ब्रीथिंग तो थर्ड फोर्थ एंड हमारा सेवेंथ देखो कहा थर्ड फोर्थ एंड सेवेंथ ये हमारे बेटा इनवॉलेंट्री है बाकी जितने भी हैं वो सब वॉलेंट्री है जैसे कि चुइंग फूड सिटिंग अपराइट ऑन टेबल सिंगिंग अ सॉन्ग डांसिंग वॉकिंग ये सब हमारे कंट्रोल में है क्लियर है प्यारे बच्चों मैं फिर से बता रही हूँ मॉक टेस्ट में ध्यान दू ने okay. क्वेश्चन देखो फॉसिल फ्यूल से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा फॉसिल फ्यूल फॉर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन हीट एंड प्रेशर आर अप्लाइड टू ऑर्गेनिज्म बरीड इन दी ग्राउंड तभी जाके क्या क्या बनेगा बच्चा तब बनेगा हमारा कोल पेट्रोलियम और हमारी नेचुरल क्या बस ठीक है अब यहाँ पे एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है मैडम इनवॉलेंट्री क्या होता है इनवॉलेंट्री का मतलब होता है वैभव जो हमारे कंट्रोल में नहीं है जैसे हमारा हार्ट बीट करे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है बेटा हम अपना काम कर रहे हैं हमारा हार्ट अपने आप बीट कर रहा है ठीक है तो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है हमारा रेस्पिरेशन बेटा हमारा एक्सक्रीशन अभी यहाँ आने से पहले मैंने चाय पी ली है ना या मैंने कुछ खाना खा लिया डाइजेशन अपने आप होगा बेटा हम्म ओके मैम बट अकबर वाज लिविंग इन दी नहीं वो इसलिए बेटा क्योंकि ये सर शायद मैंने आपको पढ़ाया भी था कि शिफ्ट की थी अपनी कैपिटल और उसके बाद में उन्होंने वो फोर्ट वहाँ पर बनवाया था ओके यस ऑफ कोर्स हाँ तो ये करेक्ट होगा बिल्कुल अकबर अकबर ने बनवाया था बिल्कुल करेक्ट बेटा चलो अकबर ने अपनी कैपिटल को बच्चे शिफ्ट किया था आगरा से दिल्ली और तब अकबर ने बनवाया था करेक्ट करेक्ट बिल्कुल बिल्कुल अरे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई थी ओके okay, बच्चा नाउ अभी यहाँ पर हमारे पास में एक अच्छा सा डायग्राम है अभी हम लोग हार्ट की बात कर रहे थे बेटा और ये हार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास में तो ब्लड एक्स है और ब्लड वाई है आपके पास में देखो बच्चे जो भी ब्लड वेन में जाता है उसके अंदर क्या होता है सीओ और जो भी ब्लड आर्टरीज में आता है उसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजन क्लियर है बस आपको यहां पर दिखाना था अब इसमें ऑप्शन क्या है कि ब्लड जो एक्स में है एक्स कौन सा है हमारे पास में यहां पर तो एक्स में जो है वो होगा ऑक्सीजन रिच और उसके बाद में जो वाई में होगा बेटा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल होंगे खत्म ओके नाउ

इंक्रीजेस दर्बन डाइऑक्साइड इन एयर दर््बन डाइऑक्साइड डॉट लेट हीट एस्केप फ्रॉम दर्थ तो आपके लिए इसमें नेक्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए बेटा वो दिसेस एंड इंक्रीज इन दर्थ एट टेम्परेचर एंड इट कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग तो यहां पर आंसर हो जाएगा इधर ए और बी कुछ भी तो प्यूपिल हमारे पास में जो तीसरा बच्चा है बेटा वो ये भी बोल सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है तो ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रही है उसका सेंटेंस ये हो सकता है या उसका सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो यहां पर दोनों के दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं औरंगजेब औरंगजेब ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो बेटा एडॉक का मतलब क्या होता है बहुत थोड़े टाइम के लिए होते हैं उसे एडॉकिज्म कहा जाता है परमानेंट नहीं होते वो एडॉक कहलाते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन ट्वेंटी टू लेंगे बेटा हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट तो वो हो जाएंगे बेटा द जजेस ऑफ द कोर्ट तो एग्जीक्यूटिव विंग होती क्या है हमारे गवर्नमेंट की ये वो विंग होती है बेटा जो पूरा का पूरा जो स्टेट है या हमारा नेशन है उसको रन करने के लिए जितनी भी चीजें होती हैं वो कौन डिसाइड करता है वो डिसाइड करती है एग्जीक्यूटिव विंग जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर आते हैं प्रेसिडेंट्स आते हैं और पूरी पूरी मिनिस्ट्री जिसे हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो भी इसी के अंदर आती है वो मुझे अभी एग्जैक्ट लोकेशन अगर मैं बताऊं बेटा तो वो एग्जैक्ट लोकेशन मुझे देखनी पड़ेगी अरे दिव्यांश छोड़ दो बेटा उस क्वेश्चन को अरे राकेश मैंने दो बार क्वेश्चन में का आंसर दे दिया उसका ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग oh. करेक्ट ऑप्शन वुड बी लिफ्ट तो बेटा हम लोगों ने लिफ्ट देखी है हम लोगों ने एस्केलेटर देखा है और उसी के साथ में मिलता जुलता जो ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा क्रेन क्लियर अरे कृष्णा कृष्णा कौन सी पीटीएम बेटा कोई पीटीएम नहीं है तुम लोग सब पीटीएम के बारे में क्यों बात करू अभी तो एग्जाम है हमें एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए पीटीएम की चिंता क्यों कर रहे हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे ना अभी हमारे पास में एक डायग्राम है बच्चों बिलो शो पाथ टेकन बाय अ बॉल वेन सुंदरम केट तो आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी कब हाईएस्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगी बेटा क्यू पॉइंट के ऊपर ठीक है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बेटा ओके नाउ सिंपल सिंपल मशीन का क्वेश्चन है बेटा रीड दी गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लीवर एंड सेलेक्ट करेक्ट वन तो करेक्ट यहां पर हो जाएगा इन बीम बैलेंस फलक्रम इज इन द मिडल मतलब बीम बैलेंस क्या होता है बेटा हम लोगों का बीम ओके इसको ऐसे करते मैं बना के दिखा देती हूँ so, ये यहां पर जुड़ा हुआ होगा मिडिल में नाउ नट क्रैकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लिवर इन टोंग द दलक्रम एंड द लोड आर एट टू डिफरेंट एंड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास तो सी सॉ भी बिल्कुल इसी तरह का दिखेगा बच्चा तो हमारे लिए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वन थर्ड और फोर्थ तो यहाँ पे वन थर्ड और फोर्थ किसका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए मशीन मैंने आपके सामने बना दी है ओके okay, बच्चा हम्म hmm. बेटा उस पर आपके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है उसका अनाउंसमेंट आया है फाइन बच्चों तो यहां पर आ, हम लोगों का आज का जो मॉक टेस्ट बेटा वो खत्म हो जाता है बट आज हमारे पूरे साल का आखिरी दिन है बेटा कल फर्स्ट जनवरी हो जाएगा नया साल शुरू हो जाएगा और नया साल जो है उसकी एडवांस में आपको आपके सब सारे के, आपके पेरेंट्स को हम पूरे के पूरे शौर्य शौर्य भारत परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली और आई विश कि आपका नया साल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो आपकी जो भी विशेज़ है और विशेज सारे बच्चों की और उनके पेरेंट्स की एक ही है कि जिसके लिए आप एक साल से तैयार कर रहे हो यानी कि सैनिक स्कूल उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए हंड्रेड परसेंट तो यही हम सब की आप लोगों के लिए विशेज़ है प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारी प्यारी विशेज है मैम की तरफ से ओके बेटा भाखड़ा नांगल दो डैम है बेटा ठीक है एक भागड़ा है और एक नांगल है दो डैम है ठीक है हाँ ये हम इनको एक साथ में इसलिए ले लेते हैं क्योंकि एक ही नदी पे है इसलिए लेकिन ये दो अलग अलग डैम है भागड़ा अलग है नांगल अलग है तो प्यारे प्यारे बच्चों मैं आपसे नए साल में मिलती हूँ देन थैंक यू जय हिंद जय भारत ओके हेलो एवरीवन हाय हेलो एवरीवन गुड इवनिंग एंड वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक मिलिट्री एंड नवोदय स्कूल यूट्यूब चैनल हाय नागारा जूत संध्या हेलो अद्विक हेलो एवरीवन हेलो टू ऑल हाँ जी जय हिंद दिलीप कुमार आरती मेहरा आयुष गर्ग किरण दिव्याश ओके सो टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल हेलो विश्व जस्ट होप दैट द कमिंग ईयर इज जस्ट अमेजिंग फॉर यू ऑल आप सभी अपना एग्जाम बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर करें आई नो वैसे भी ये होगा है ना आप सभी बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे जय हिंद जय हिंद टू ऑल हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस Jai everyone! Hi Ravi! Hello Ravi! Hello Divyansh! Okay! Hi Manvi! Hello! Hi Shalita! Priyanka! Hello Kavya Kumard! Happy New Year! Happy New Year! Bye Bye 2022! <laughs> Hi Suresh! Hello Anka Chauhan! Krishna! Hi Ravi! Hello Ravi! Hi Suresh! TKG. Same to you Alisha! ऑल राइट स्टूडेंट्स चलिए तो न्यू ईयर होने वाला है इस साल का इस साल का लास्ट मॉक टेस्ट आज कर ही लेते हैं ठीक है सो आई जस्ट होप कि आप सभी रेडी हैं इस साल के लास्ट मॉक टेस्ट के लिए जब हम नेक्स्ट मिलेंगे साल भी बदला होगा सब कुछ बदल जाएगा है ना चलिए जी शुरू करते हैं पर हम और आप हम अपन ऐसे ही रहेंगे राइट मैं आप सभी को उतना ही पसंद करूंगी जितना मैं आज करती हूँ और शायद आप सब भी मुझे उतना ही पसंद करते हैं करेंगे कल भी जितना आज करते हैं है ना बिल्कुल 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 एट आवर्स बिल्कुल सही हाय अर्णव गुस्सेन हेलो हेलो आयुष आरती मेहरा इज आयुष ओके बहुत सारे अर्नव एंड आयुष हो गए हैं क्लास में हाँ मेरी तरफ से बिल्कुल मेरी तरफ से पार्टी हेलो महिका चलिए हैप्पी न्यू ईयर बेटा सुरेश कुमार एंड एवरीवन चलिए स्टूडेंट्स बिना देर करते हुए आज बहुत सारे जोश में हो मैं देख सकती हूँ चैट कॉलम में रवि आई कैन फील द जोश हम्म बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच बेटा किरण थैंक यू सो मच चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं ओके सो लेट अस बिगिन विद आवर लास्ट मॉक सेट ऑफ द ईयर राइट और इससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स न्यू हैं ओके संदेश

प्लानिंग करी थी स्कीम करी थी नाउ दैट एस्केप सीम्ड सो नियर एट हैंड दो थ्री इयर्स लॉस्ट सम ऑफ देयर मोनोटनी और अब जो एस्केप अब जो वो भाग के जाने वाला है फ्रीडम जो है इतना पास उसे दिख रहा है तो वो जो तीन साल की मोनोटनी थी तीन साल की बोरियत थी वो तो कुछ लगी नहीं रही उसे बट ही वुड नेवर फर्गेट द लैशेस द क्लोज कंफाइनमेंट लो डाइट एंड वर्ड्स स्टिल द मेंटल स्ट्रेन ऑफ दोज ब्लैक डेज पर वह कभी नहीं भूल पाएगा अच्छा करा हुआ आपने चलो दैट ग्रेट संदेश पर वो कभी नहीं भूल पाएगा लाशेस जो जो से से मार पड़ी थी है ना साथ साथ ही क्लोज कन्फाइनमेंट कन्फाइन कर दिया था बंद कर दिया था रेस्ट्रिक्ट कर दिया था जो लो डाइट उसे दी गई थी और वर्स सबसे घटिया तो जो मेंटल स्ट्रेन मेल्टर टॉर्चर हुआ था उसके साथ हाँ दिव्यांश मैंने पढ़ा आपका मैसेज जोश इज वेरी हाई दट रियली नाइस ओके तो उन काले दिनों के उन ब्लैक डेज के जब उसे जेल में बंद कर दिया गया Suddenly the warden did what he had hoped. और अचानक से ही warden ने वही चीज करी जिसकी उसने आशा करी थी He stopped to unlock the lower padlock. वो रुका lock खोलने के लिए With a okay, uh, with a dull thud, he slumped forward. With keys in his hands. और बहुत ही डल के साथ मतलब ऐसे आलस आलस के साथ बहुत ज्यादा ऐसे डल डल सा होके बहुत ज्यादा थका हुआ होके वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा राइट right? uh, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ के ऐसे बैठ गया वो नीचे ठीक है स्विफ्टली द प्रिजनर सीज हिज कीज और बहुत ही फुर्ती से प्रिजनर ने उसकी चाबी खींच ली ओके अनलॉक द हॉल अनलॉक द हॉल उसने हॉल को अनलॉक करा एंड रैन इन टू द कोर्टय में भाग गया है ना जो लॉबी होती है तो भाई उसको सिर्फ चार सेकेंड लगे उस रोप की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए पहुंचने के पहुंचने तक जो कि उसकी अकम्प्लेसेज ने उसके सपराधियों ने कहीं पे रखी हुई थी फाइव मोर टू जंप इन टू द वेटिंग कारीडम और पांच और सेकेंड लगे उसको आ, उस कार तक पहुंचने में मतलब एक तरीके से आ, जेल के बाहर पहुंचने में आ, उस कार तक जो कि उसको फ्रीडम आजादी की ओर लेके जाएगी इवन दो ही वॉज गिल्टी हालांकि वो गिल्टी था हालांकि वो अपराधी था द प्रिजनर फेल दैट ही है हाँ तो भाई प्रिजनर को लगा कि उसने अपने क्राइम के लिए पे कर दिया है फॉर द मैन ही हैड ड्रॉप क्योंकि जिस व्यक्ति को उसने रॉब करा था जिस व्यक्ति से उसने चोरी करी थी थ्री अगो तीन साल पहले वो स्टिल वो व्यक्ति जिसके पास से उसने चोरी की थी वो तो अभी तक मिलेर ही था तो उसे लगा कि भैया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा मैंने चोरी भी थी की तो तो क्या हो गया वो तो अभी भी है राइट तो उसे लग रहा था कि भैया मैंने तीन साल काफी सजा काट ली है मेरे जुलम की तो अब मुझे फ्री हो जाना चाहिए ये उस पर्सन को लग रहा था चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है फॉर वॉट क्राइम हैड द प्रिजनर बीन पनिश्ड किस क्राइम के लिए प्रिजनर को पनिश करा गया था थैंक यू सो मच बेटा उद्यंत यू ऑल आर माई बेस्ट 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 स्टूडेंट्स ओके चलिए बताइए वट शुड बी द करेक्ट चांस प्रियंका कुमारी बेटा आप क्या लिख रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा प्लीज राइट इट इन दर इन समर वे एनी गि नो वॉट इज दिसो बताओ ठीक हैप्पी न्यू ईयर बेटा आई डोंट नो हेलो तो पहले का सही आंसर हो जाएगा क्या क्राइम करा था उसने रॉबरी करी थी क्या क्राइम करा था रॉबरी करी थी नेक्स्ट देखिए व्हेन हैड द क्राइम बीन कमिटेड क्राइम कब कमिट करा गया था वेरी गुड रॉबरी इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड एवरीवन एवरीवन अगला क्वेश्चन देखो क्राइम कब कमिट करा गया था क्राइम करा गया था जल्दी से बताइए सेकंड का सही आंसर थोड़ी स्पीड में करेंगे है ना सुपरसोनिक स्पीड में फटाफट से बताओ चलो और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास को ओके आयुष राज कौन लाइक like करेगा तो फटाफट से सभी स्टूडेंट्स क्लास को भरपूर प्यार दे फटाफट से क्लास को लाइक करें और क्लास को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करेंगे ओके okay? तो हमारे यहां second का सही answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज थ्री इयर्स अर्लियर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन हो स्लम्ड फॉरवर्ड विद अ डल थर्ड ऐसे डल होके गिरते हुए आ, कौन आगे बढ़ा था थैंक यू सो मच बेटा अभिरमी वेरी नाइस एवरी वन बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप सभी चलो बताओ वट इज द राइट आंसर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा जल्दी से बताइए सुपरसॉनिक स्पीड में थर्ड का ऑप्शन नंबर बी द वॉर्डन काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड एवरी वन थम्स अपू यू ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखिए क्या है हाउ मेनी सेकंड डिड इट टेक फॉर द प्रिजनर टू री गेन हेस फ्रीडम अपना फ्रीडम दोबारा गेन करने में कितने सेकेंड लगे को बताओ फोर एट ट्वेल्व या फिर टेन हैप्पी न्यू ईयर जी हैप्पी न्यू ईयर ओके तो यहां पे फोर्थ का क्या सही आंसर हो जाएगा लाइक like कर दिया चलो ग्रेट थैंक यू सो मच एवरी वन थैंक यू सो मच हां जी मैम स्पीड लाइक फ्लैश यस yes, बिल्कुल 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 तो फोर्थ का क्या सही आंसर होगा थैंक यू राकेश रंजन थैंक यू जी थैंक यू जी तो फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा नहीं फोर सेकंड्स में ऑप्शन नंबर ए वेरी नाइस एवरीवन तो चार सेकंड्स में वो पहुंच गया था उस सीढ़ी तक जो उसे फ्रीडम की ओर लेके जाएगी ठीक है जी तो चार सेकंड आगे मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट डिड द प्रिजनर सफर द मोस्ट ड्यूरिंग इन कैद के दौरान प्रिजनर ने सबसे ज्यादा क्या सफर करा बेटा गुड गौरव गुड एवरीवन जो भी सारे न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं रियली प्राउड ऑफ यू ऑल वेरी नाइस एवरीवन सो आई कैन फील द जोश आई कैन सी हाउ एक्साइटेड यू ऑल आफर एट जी सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ओके 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 उद्यान उद्यान तो okay, उद्यान. तो यहां पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा मेंटल स्ट्रेन बिल्कुल सही तो उसने बहुत सारी चीजें सफर करी थी जैसे कि मारपीट थी लो डाइट थी कंफाइनमेंट था साथ ही साथ जो उसने सबसे ज्यादा सफर करा वो था मेंटल स्ट्रेन मेंटल टॉर्चर So our correct answer is going to be option number B. Now, without any delay, let's move on to the next question. Our fifth question for today is: We need to tell the antonym of the word strife over here. Now, what do you mean by strife? Strife ka pehle main synonym batatyoon aap sabhi ko. Ji, strike ko hai, strife ko aise hai, strike. है ना धरने पे बैठ गए हैं लोग धरने पे बैठ गए मतलब वो किसी चीज के अगेंस्ट है किसी चीज के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं लड़ाई झगड़ा हो रहा है स्ट्राइक का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा ओके फाइट कह सकते हो आप तो बताइए वट शुड बी द शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिक्कत वन एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा एंटोनिम हो जाएगा पीस एंटोनिम क्या हो जाएगा पीस नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वो वो का मीनिंग होता है अनहैप्पी होना होना होना, होना, या फिर ठीक है, भी बोल सकते हो। देखिए, करेक्ट आंसर वेरी नाइस एवरीवन प्राउड ऑफ यू ऑल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगले का क्या सही आंसर होगा बेटा जल्दी से बताओ सेवन सैम इज वन इज द वन डैश स्टोल माई बैग सो ओवे बेटा अरे uh, है है <laughs> में भूल गई अरे हाँ संदेश वेरी गुड उत्कर्ष बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रमानी रेड्डी वेरी नाइस चलिए तो यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा हमारा Who, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर देखो स्टोल दीवी आपको वर्ब क्या चुराया बैग चुराया अब सब्जेक्ट मिसिंग है सब्जेक्ट की जगह कौन लेता है सब्जेक्ट की जगह लेता है बेटा हु होम नहीं लेता हु जगह लेता है ठीक है जी शाल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन अगला देखिए अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अच्छा प्रेपोजिशन बताना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रेपोजिशन क्वेश्चन है हमारा प्लीज बी वेयर डैश डॉग तो प्लीज बी वेयर क्या चाहिए प्लीज बी वेयर ऑफ प्लीज बी वेयर ओके चित्रांश ऑल राइट करनाल सैनिक स्कूल आया अच्छा ओके कनेश ऑल राइट चलो ग्रेट भाई आ गया वेरी गुड तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए था बी वेयर के साथ प्रपोजिशन लगता है ऑफ बीवेयर के साथ क्या लगता है ऑफ ओके अर्नव ऑल राइट अर्नव आई आल ट्राई टू रिमेंबर ओके चलो नेक्स्ट देखो टीट्यूड वर्ड का आपको बताना है सिनॉलियम फोर्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा

बनाता है तो उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल लगेगी क्या होनी चाहिए ऑप्शन नंबर सी दैट इज डू नॉट नाइन्थ का सी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सभी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट आपको प्लूरल बताना है सो वॉट इज ऑफ सिस्टर इन लॉ क्या होता है इलेवेंथ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हांजी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिएगा तो मैं यही ले जाती हूँ हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स आपको इ रिपेयरेबल की सही स्पेलिंग बतानी है सॉरी इर रिपेयरेबल वर्ड की आपको सही स्पेलिंग बतानी है तो इिपेयरेबल की सही स्पेलिंग क्या होती है आई आर बिल्कुल सही हाँ बताती हूं देखो आई आर आर ई पी ए आर ए बी एल ई इिपेयरेबल ऑप्शन नंबर बी ठीक है ऑप्शन नंबर बी चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए आई वॉन्ट टू बी डैश एस पी तो एस पी एस पी ब्रदर इन लॉ बी ब्रदर इन लॉज ब्रदर्स इन लॉ होता है. है ना अब एस पी ए की आवाज आ रही है वॉवल साउंड आ रहा है वॉवल साउंड आ रही है तो आर्टिकल एन का यूज होगा आई वॉन्ट टू बी एन एस पी ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राइट तो आपको पी क्यू आर एस बताना है आई वॉज आपको क्या दिया I was. अब I was, क्या थे आप भैया? हाँ, तो आएगा नहीं? नहीं भी आ सकता। एक्साइटेड आर से शुरू होगा और R से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है। that is option number C. तो क्या लिखने वाले हैं? आई वॉज वेरी एक्साइटेड वेन माई फादर टोल्ड मी दैट आई कुड गो विद हिम एंड स्टे स्टे फॉर अ फ्यू डेज इन डेली ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हाँ हाँ डोंट वरी चिन्मय है तुम पढ़ाई पर ध्यान दो चिन्ह में बाकी सारा काम मेरा है, है ना पढ़ाई पर ध्यान दो चलो नेक्स्ट देखो मुझे पता है मेरे को क्या कराना है कैसे कराना है डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है जी चिन्ह में दिन में ना कुछ ना कुछ पंगे करता ही रहता है <laughs> चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लोक्वेशियस वर्ड का आपको क्या बताना है सिनोनिम बताना है नाउ इज अ रूट वर्ड फॉर टॉकिंग क्या करना है इज अ रूट वर्ड फॉर टॉकिंग हाई अद्विक ओके okay, मैंने तुम्हारा नाम ले लिया <laughs> चलो देखो हाँ, तो लोकवा इज अ रूट वर्ड फॉर टॉकिंग अब आपको एंटोनिम बताना है ना लोक्वेशियस का मतलब क्या होता है टॉकेटिव होता है लोकेशियस का मतलब होता है टॉकेटिव एंटोनिम बन जाएगा बेटा रिजर्व माइजरली का मतलब होता है कंजूस इलोक्वेंट का मतलब होता है गुड स्पीकर और हेल्दी का मतलब तो हमें पता ही है दिव्यांश नाटक मत करो डन <laughs> है आगे मूव करें लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर एवरी वन प्लीज टेक माई नेम हाई किरण हेलो प्रमिला शर्मा नाम बता दो किरण मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या है मैं भूल गई नहीं नमक अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए चलो हाय प्रमिला शर्मा सिक्सटीन का सही आंसर हो जाएगा ए ही ड्रोव द कास्ट वेरी वेरी फास्ट राइट तो वट शुड बी द करेक्ट आंसर अब आपको बताना है इसका क्वेश्चन टैग राइट तो अब क्या होना चाहिए ड्रोव वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी डिड और क्योंकि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगाइट तो आप लिखेंगे डेंट डेंट सॉरी ही इस तरीके से बनेगा डेंट ही ठीक है यू हैव सब्सक्राइब दैट्स रियली नाइस ओके संदेश हाय संदेश हाय लक्ष्मी एस पाटिल हेलो गौरव ठीक है जी हाय चित्रांश चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए

फॉल्स का मतलब गलत ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार मैम मैं, मैं नाइन्थ का सिक्स में भी आ गया अच्छा कोई बात नहीं आ रहे हैं दसीला दैट्स ग्रेट दैट्स गुड दैट यू आर स्टडिंग दिस मच बहुत बढ़िया चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है चैलेंज की क्या सही स्पेलिंग होगी ये आपको बतानी है चैलेंज की सही स्पेलिंग होती है बेटा c h a double l e n g e चैलेंज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया लॉन्गेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव डेफिनेट आर्टिकल द लग जाएगा इससे पहले ठीक है जी और आगे मूव करते हैं अब ये जो वर्ड है ये गोल नहीं है गोल नहीं कहना चाह रही इस वर्ड को भी हम जेल ही बोलते हैं और इसका मतलब जेल ही होता है तो जो जी एल लिखा है जी ओ ए एल तो गोल होता है ये तो हमें पता ही है तो जी ओ एल वाला गोल नहीं है ये जी ए ओ एल है दैट इज जेल राइट और इसका मतलब भी जेल ही होता है इम्प्रिजनमेंट ही होता है नेक्स्ट देखिए गिल्टी गिल्टी वर्ड का एंटोनियम बताना है आपको तो इनोसेंट हो जाएगा गिल्टी का मतलब होता है दोषी इनोसेंट का मतलब होता है जिसका कोई दोष ना हो ठीक है और देखते हैं आगे नेक्स्ट देखिए सेमेटरी सेमेटरी का मतलब होता है कब्रिस्तान नहीं कल नहीं करा था कुछ तुम्हारा नाम अथर्व है अथर्व अथर्व है प्रमिला शर्मा अथर्व जय हमने नहीं नहीं आपने नहीं करा था कल पेपर कुछ एक आध क्वेश्चन शायद कोई रिपीट हो गया सेमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान सेमेट्री की सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर डी सी दैट इज सी ई एम ई टी आर वाई -E 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 बिल्कुल बिल्कुल कौस्तुभ चलिए आगे मूव करें Let's move on to the next one. अगला क्वेश्चन देखो। अब ये दो एरर है आपके पास फटाफट से बताइए क्या एरर है पहला सेंटेंस ऐसा है पुअर तो ये याद रखिएगा बेटा ये वर्ड जो आम है ये होता है आम करके कोई वर्ड ही नहीं होता आर्म्स होता है वर्ड क्या होता है आर्म्स आर्म्स का मतलब होता है दान दक्षिणा दान दक्षिणा ठीक है दान दक्षिणा ओके okay, जिवेश रंजन हाँ इट इज यूजफुल फॉर अस तभी तो मैंने तुम्हें बोला था चेन्मय वो यूजफुल है तभी तो मैं तुम्हें बोलूंगी ना चेन्मय वरना मैं तुम्हें क्यों बोलूंगी <laughs> मुझे पता है तुम मेरे नाइन्थ के स्टूडेंट हो आ, हाँ हाँ तुम, तुम मेरे नाइन्थ क्लास में थे आई नो दिस

चैरिटी और एक और इंपॉर्टेंट बात रखना आर्म्स के बारे में याद आर्म्स जो वर्ड है वो हमेशा बहुवचन रहता है कैसा रहता है भैया प्लूरल रहता है उसके साथ हमेशा एस भी लगता है हमेशा रहता भी प्लूरल है तभी तुम देख रहे हो कि इसके बाद में आ, जो इतने फ्रॉड है संजय सर तो सुना ना आपने हाँ मेरे को पता है भैया हाँ कितने फ्रॉड है भाई ये 2012 से तो पेपरो ने शुरू हुआ है प्रतीक तुम लोग भी क्या कमाल करते हो मुझे समझ में नहीं आता किसी भी चीज पे विश्वास कर लोगे क्या इंटरनेट पे तो इतनी चीजें मिलती है हाँ किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हो तुम लोग ऐसे चलो ठीक है तो तभी इसके साथ जो वर्ब लगती है वो प्लूरल होती है ऑलराइट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हां जी He read the notes. Dash returned it to me. उसने नोट्स पढ़े और मुझे दे दे. का मतलब charity, दान, बताया तो कितनी बार बता दिया? देखो, he read the notes. Dash returned it to me. उसने नोट्स पढ़े और उसने मुझे रिटर्न कर दिए सिमिलर थिंग्स को ज्वाइन कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट देखो दे इलेक्टेड him डैश प्रेजिडेंट तो ध्यान रखिएगा कि उस उन्होंने क्या करा उन्होंने हाँ तो उन्होंने क्या करा भैया उन्होंने आ, इलेक्ट करा उसको प्रेसिडेंट। अब ये याद रखिएगा। इलेक्ट सिलेक्ट बिकम, क्राउन डिक्लेयर मेक है ना इन सभी वर्ड्स के बाद में इन सभी वर्ड्स के बाद में अगर कोई सुप्रीम पोजिशन पे किसी को रखा जाता है प्राइमरी पोजिशन पे किसी को रखा जाता है तो हम उससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते तो नन ऑफ दीज आएगा या फिर कह लीजिए नो आर्टिकल आएगा आएंगे आएंगे सर अभी आएंगे ठीक है तो नो no आर्टिकल कोई आर्टिकल नहीं आएगा ठीक है डन है जी हाँ मोर देन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन कर लिए हैं क्या हो गया क्या हो गया तो कर लिए तो कर लिए तो कर लिए आज मेरा मन हो गया थोड़ा ज्यादा पढ़ा देती हूँ तो मैंने पढ़ा दिया डैश ऑफ द सर्वेंस हैजकन द्लास अब देखो इस सेंटेंस में क्या आएगा इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा विच ऑफ दर्वेंसन द्वार ऐसा क्यों होगा भले ही आप हमारे यहाँ पेमन बींग्स के बारे में से बात कर रहे हो पर जब भी सिलेक्शन हो रहा हो क्या हो सेंटेंस में सिलेक्शन चुनाव हो रहा हो तब हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का ही यूज करते हैं तो आपका सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा विच क्या आ जाएगा विच हो जाएगा लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन डैश ऑफ कश्मीर डैश वेरी चार्मिंग तो ध्यान रखिएगा सीनरी पहले तो सीनरी करके वर्ड होता ही नहीं है तो ये तो गया सीनरी सिंगुलर अनकाउंटेबल वर्ड है तो उसके बाद प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी द सीनरी ऑफ कश्मीर इज इज वेरी चार्मिंग ऑप्शन नंबर बी बी गोइंग टू द करेक्ट आंसर और लास्ट देखिए और ज्योति मैम लीव पे नहीं है प्लूरल ऑफ अजेंडम अजेंडम का प्लुरल होता है बेटा अजेंडा दिस इज द राइट आंसर और यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हम हमारा आज का पेपर ओके okay जी नहीं दिव्यांश ये सब टाइम पास मत करो है ना टाइम पास मत करो इधर चलो तो हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा बेटा सभी को समझ में आया द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी एजेंडा ओके जी चलिए सो so आज के लिए इतना ही टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस है ना बहुत एंजॉय करिएगा कल कल कोई क्लास नहीं है तो कल फर्स्ट भी है खूब एंजॉय करिएगा खूब अच्छे से पढ़ाई भी करिएगा ओके okay? अब हम मिलेंगे मंडे को सो थैंक यू सो मच टेक केयर पार्टी अलॉट खूब एंजॉय करो खूब मजे करो मूवीज देखो साथ ही साथ पढ़ाई भी करो ओके जी चलिए बाय बाय टेक केयर जय हिंद